इधर भारतीय वायुसेना के दमखम को बढ़ाने के लिए 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आने वाले हैं। भारत सरकार ने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 खरीदने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। भारतीय वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। भारत सरकार 56 ट्रांसपोर्ट प्लेन के लिए $2.5 बिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाली है। मेक इन इंडिया पहल के तहत एयरबस डिफेंस एंड स्पेस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड संयुक्त रूप से 56 C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। एयरबस पहले 26 विमानों को फ्लाईवे की स्थिति में आपूर्ति करेगा, जबकि बाकी 40 एयरक्राफ्ट को TASL असेंबल करेगा। बताया जा रहा है कि पहले 16 विमानों की आपूर्ति 2 सालों में की जाएगी और बाकी के 40 विमान 8 सालों में डिलीवर किए जाएंगे। अमेरिका के भावी राष्ट्रपति बाइडेन के शपथ ग्रहण में अब 2 हफ्ते का वक्त रह गया है, लेकिन ट्रंप के समर्थक अपने नेता की हार को अभी भी पचा नहीं पा रहे। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव में जीतने की मुहर लग चुकी है। 20 जनवरी को बाइडेन दुनिया के सबसे शक्तिशाली पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन ट्रंप की तरह उनके समर्थकों में भी बाइडेन की जीत की चुभन खत्म नहीं हुई है। अपने नेता ट्रंप के समर्थन में उनके प्रशंसक 6 जनवरी को सुबह 11 बजे से वॉशिंगटन में बड़ी रैली करने वाले हैं। ट्रंप ट्विटर और अपने दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए इस रैली को प्रचारित करने में जुट गए हैं। अपने ट्विटर हैंडल से इस संबंध में कई ट्वीट और रीट्वीट किए। 6 जनवरी को ही अमेरिकी संसद की अहम बैठक होगी, जिसमें इलेक्टोरियल कॉलेज के वोटों पर मुहर लगेगी। और एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है, जहां अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी की है। आपको बता दें कि समंदर और एयर स्पेस में ईरान की घेराबंदी की गई है। ईरान के पड़ोसी देशों में अमेरिका की सेना का अलर्ट है। USS निमित्स फारस की खाड़ी में तैनात किया गया है। इधर देश में जारी किसान आंदोलन के बीच आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। आज सुबह 11:30 बजे होने वाली बैठक में नए कृषि कानून को लेकर भी चर्चा की जाएगी। किसान आंदोलन को लेकर कैबिनेट बैठक में बात होगी। कृषि मंत्री किसान आंदोलन के मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। कई और भी अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। सरकार कुछ अहम फैसलों को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा करेगी। इस बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण के संबंध में आयोग के कार्यकाल को आगे बढ़ाए जाने को लेकर भी चर्चा होगी। बैठक में अमित शाह, पीयूष गोयल और राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री हिस्सा लेंगे। नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान अपने प्रदर्शन के दौरान बारिश से बचने के लिए मॉल में बने कमरों का सहारा ले रहे हैं। कड़ाके की ठंड और दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के बीच किसानों का आंदोलन जारी है, लेकिन अब बारिश और ठंड की मुश्किलों से बचने के लिए आंदोलन कर रहे किसानों ने नया तरीका निकाला है। किसानों ने GT करनाल रोड पर कुंडली बॉर्डर के पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल को अपना ठिकाना बना लिया है। अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल में किसानों ने सोने की व्यवस्था की है। खाने का सामान भी मॉल में रख दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से आंदोलित किसान मॉल में ही सो रहे हैं। हालांकि किसानों ने मॉल के अलावा खुद से भी प्रदर्शन स्थल पर टेंट लगाए हैं। किसान पिछले 41 दिन से लगातार नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।